सावित्री गुप्ता समाजवादी पार्टी के नेता राजनारायण मुन्ना की पत्नी है। नूतन राठौर बीजेपी नेता मंगल सिंह राठौर की बेटी हैं। पायल राठौर बीएसपी के नेता राजेंद्र राठौर के छोटे भाई विजेंद्र राठौर की पत्नी है। शाहजहां परवीन कांग्रेस के मुर्तजा हुसैन अंसारी की पत्नी है। सुनीता शर्मा आम आदमी पार्टी के अरुण शर्मा की पत्नी है। फिरोजाबाद में 70 वार्ड हैं और 151 मतदान केंद्र। फिरोजाबाद नगर निगम में 5,09,002 वोटर हैं। और ओबीसी की पार्टी का दल है, उनको भी आमंत्रित किया है हमने। एआईएम और आप, हमने 6 दलों के प्रत्याशियों को यहाँ आमंत्रित किया हुआ है। और इसी बीच निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। सुनीता शर्मा आप हमारे बीच में हैं, हम सभी उनका तालियों के साथ अभिवादन करते हैं। पार्टी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं परवीन। जहां परवीन ये हमारे बीच में है, आए हम उनका स्वागत करते हैं। आप यहाँ के उद्योगपति मुर्तजा जी की पत्नी है। आजा आजा, प्रत्याशी आपके बीच में होंगे। हमारे बीच बसपा की मेयर प्रत्याशी पायल राठौर, पायल जी को सपा प्रत्याशी श्रीमती सावित्री देवी के इस समय मौजूद हैं और वो जाम में फंसी हुई हैं। आ रहे हैं, मैं तब तक के लिए उन्हें स्वागत करता हूँ। हम स्वागत करते हैं। समाजवाद अपना पक्ष रख सकती है, यहाँ मदद करता है। मैं अपने दो एंकर के हवाले करता हूँ ये कार्यक्रम। मिस्टर प्रशांत बसेस आए और तालियों के साथ हम अपने इस एंकर का स्वागत करते हैं, मिस्टर प्रशांत बसेस। इसी क्रम में कृति कुलश्रेष्ठ हमारी दूसरी एंकर है। कृति कुलश्रेष्ठ, हम इनका भी समर्थन करें। कृति कुलश्रेष्ठ समारोह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन कि आपने यहाँ पधारे और साथ ही इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर हमें ये अवसर दिया कि हम फिरोजाबाद की जनता से रूबरू। बहुत बहुत धन्यवाद आप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फिरोजाबाद नया नया नगर निगम बना है और मेरे साथ साथ आप सभी तुम्हें इस बात की बहुत बहुत तो जैसा कि आप सभी जानते हैं और इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य वो भी यही है कि जो फिरोजाबाद पहली बार नगर निगम बना है तो क्यों ना हम ऐसे प्रयास करें, आज से अभी से पहले चुनावों से ही ऐसे प्रयास करें कि जो ये प्रयास है फिरोजाबाद को कागजों पर तो नगर निगम बना दिया लेकिन पृष्ठभूमि पर फिरोजाबाद को नगर निगम बनाया जा सके। क्या मैं सही कह रही हूँ? क्या फिरोजाबाद के नगर निगम बनने के पहले दिन से हमें काम शुरू नहीं कर देना चाहिए था? जी कर देना चाहिए था। बिल्कुल, तो इसीलिए यहाँ हेलो तो इसीलिए आज यहाँ हमने इन सभी जो आगामी चुनाव है, मतदान होने हैं 29 नवंबर को, उनमें जो भी फिरोजाबाद का मेयर बनेगा उसके लिए जो भी प्रत्याशी खड़े हुए हैं 6 पार्टियों के, उन सभी को यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है और मैं ऐसा एक्सपेक्ट भी कर रही हूँ कि यहाँ इस तरह के जवाब दिए जाएं कि यहाँ की जनता यहाँ से संतुष्ट होकर जाए और जिसे भी वो वोट देना चाहे इस कार्यक्रम के बाद वो कम से कम अपना एक मन बना ले कि हाँ वो कौन सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जिसके लिए उसका वोट बहुत पत्थर की
बड़ी लकीर साबित हो सकता है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद फिरोजाबाद की जनता का और साथ ही यहाँ मौजूद आप सभी प्रत्याशियों का कि आपने यहाँ आकर इस कार्यक्रम में अपना समय दिया। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल से, जिसकी मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत भी है। आप लोग फिरोजाबाद का मेयर क्यों बनना चाहते हैं? सबसे पहला सवाल, यहाँ लोग मौजूद हैं, आप सभी सुनिए कि जो प्रत्याशी यहाँ उठकर आए हैं फिरोजाबाद का मेयर बनने के लिए, वो मेयर बनना क्यों चाहते हैं, आखिर वो वजह क्या रही? मैं बस सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देती हूँ कि आप सब यहाँ पर आए और मेरी बात सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं जब भी फिरोजाबाद शहर में आती थी तो मैंने यहाँ देखा, सब लोग कहते थे फिरोजाबाद शहर का बहुत विकास हो चुका है, विकास के नाम पर जो मुझे दिखाई देता है, यहाँ गंदगी के ढेर दिखाई देते हैं, टूटी हुई सड़कें दिखाई देती हैं, खराब स्ट्रीट लाइट दिखाई देती हैं, फिर भी सब यही बोलते हैं कि फिरोजाबाद शहर का बहुत विकास, बहुत उन्नति हो चुकी है। हमारे विधायक जी ने फिरोजाबाद शहर को बिल्कुल शहर बना दिया है, मेट्रो सिटी बना दिया है, लेकिन फिर भी मुझे विकास के नाम पर यहाँ कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देती जो मुझे लगे कि हाँ वाकई फिरोजाबाद शहर, मतलब फिरोजाबाद ग्रामीण क्षेत्र से निकल के शहर के क्षेत्र में आ गया है। जी, तो हम अगले कैंडिडेट से जानना चाहते हैं उनकी मेयर बनने की अभिलाषा के पीछे की प्रेरणा क्या रही। मैं सबको नमस्कार और जो भी हमारे मुद्दा लेकर के आई हूँ, सबसे पहले तो यहाँ की पानी सफाई सुथराई और भ्रष्टाचार शहर बनाऊंगी और मैं सड़कों पर ज़्यादा ध्यान दूंगी, पानी पर ज़्यादा ध्यान दूंगी ताकि लोग याद रखें। हेलो हेलो हेलो, आपके लिए वो प्रेरणा क्या रहे? मेरी प्रेरणा है, मैं 20-22 साल से यहाँ रह रही हूँ, शादी होके आई हूँ, यहीं पे आई हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा गंदगी, पानी की व्यवस्था गंदगी और जगह जगह गड्ढे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, नगर निगम में भ्रष्टाचार फैला हुआ है और इतनी दिक्कतें आती हैं, जगह जगह लड़ाई झगड़े जाम लगे होते हैं, सबसे ज़्यादा फिरोजाबाद में दिक्कतें हैं। तो जो बात सामने यहाँ पर आई, मुख्य मुद्दा रहा भ्रष्टाचार और काम नहीं किया गया, तो ये बातें तो ऐसा नहीं है जब फिरोजाबाद नगर पंचायत था तब भी ये बातें सामने थी, तब भी ये समस्याएं थी जनता के सामने, तो अब जो ये पूरा सिस्टम बदला है फिरोजाबाद नगर पालिका से अब नगर निगम हो गया है, तो अब इन कार्यों को करने में क्या सहजता है और साथ ही आप मेयर होंगी फिरोजाबाद की, तो फिरोजाबाद के लिए ये समस्याएं पहले भी थी, तो अब ऐसा क्या नया करने वाली है? मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ तो मैं अपनी जो मेरी नॉलेज है मैं उसका प्रैक्टिकल यूज करके यहाँ पर यहाँ की जो समस्याएं हैं उन्हें दूर करना चाहती हूँ। जैसे पानी की समस्या है यहाँ पे, जो मुझे मेन मुद्दा दिखाई देता है पानी के लिए, यहाँ पे लोगों को घर में डायरेक्ट बोरवेल का पानी जाता है जो काफी जहरीला होता है, जिसमें लेड जैसे तत्व होते हैं जो लोगों को कैंसर जैसी बीमारी देते हैं। तो मैं ये चाहूंगी एक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगता है जिसके थ्रू लोगों को साफ पानी मुहैया कराया जा सके। फिरोजाबाद में अभी तक सबसे बड़ी समस्या ये है कि पानी की कमी है तो कुएं खोद दो, सफाई की कमी है तो जिसने फोन कर दिया सफाई हो गई। कहने का मकसद ये है कि अभी पिछले 10-15 सालों में जो लोग भी रहे उन्होंने तात्कालिक उपाय तो किए, किंतु फिरोजाबाद का एक सुव्यवस्थित रूप से प्लैंड तरीके से विकास हो इसकी आगे की प्लानिंग के विषय में किसी ने सोचा ही नहीं। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते यदि यहाँ कांग्रेस का मेयर होता है तो हम लोग हिंदुस्तान के बेहतरीन टाउन प्लानर की सेवाएं लेकर अगले 10 वर्ष तक फिरोजाबाद की आबादी और विकास को मद्देनजर रखते हुए उसमें आज नहीं आगे 10 साल तक भी आबादी बढ़ने से पानी की, सड़क की, सफाई की, कूड़े के निस्तारण की और प्रदूषण की समस्याओं में नगर निगम कैसे योगदान कर सकता है, उसका जनता को सहभागी बनाकर एक राय मशवरा लेकर
वार्ड वार्ड में उनसे पूछकर समस्याओं को और एक सुव्यवस्थित प्लान बनाया जाएगा, तब विकास की बात की जाएगी। तो कांग्रेस का कहना है कि सुव्यवस्थित जो एक प्लान होना चाहिए था एक शहर को डेवलप करने के लिए, उसकी हमेशा से कमी रही। जाहिर भी है, नगर निगम बना है तो एक सुव्यवस्थित प्लानिंग की जाएगी और जो सिस्टम है उसे और स्ट्रॉन्ग करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मॉडल है उसके आधार पर किया जाएगा, कोई भी सिर्फ झूठे वादे नहीं किए जाएंगे। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई कि यहाँ कार्यक्रम के बीच में सपा का गाना क्यों चलाया गया। मैं उस बात पर एक सफाई नहीं, एक तथ्य सामने रखना चाहती हूँ कि जब भी किसी भी पार्टी के प्रत्याशी को बुलाया गया उस पार्टी से संबंधित गाना बजाया गया था, इसीलिए वो सपा के जब कैंडिडेट यहाँ पर आए तो वो गाना बजाया गया था, शायद से आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। चलिए बहरहाल कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं राजनारायण मुंडा जी यहाँ मौजूद है ऑन बिहाफ ऑफ हिज वाइफ, लेकिन उनका कहना है कि उनकी पत्नी भी आ रही है, तब तक के लिए इनसे ही वो सवाल। फिरोजाबाद की सीट महिला सीट बनाई गई, उस सोच के पीछे कोई तो रीजन रहा होगा, और आपने अपनी पत्नी को खड़ा किया, आपकी क्या सोच थी अपनी पत्नी को इस मेयर की चुनाव में खड़ा करने के लिए? एक्चुअली एक तो ये जो श्रोता बैठे हैं, समर्थक बैठे हैं, मैं इन सबसे ये अपील करूंगा कि आपके घर की माताएं और बहनें यहाँ उपस्थित हैं प्रत्याशी के लिए और ये हिम्मत कर रही हैं कि हम नगर को सुव्यवस्थित करें, तो मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया इन्हें वोट न करें, इनका सहयोग। कोई बात नहीं, आपने सुन नहीं पाया, इट्स ओके। दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल ये कि फिरोजाबाद में कई सारी समस्याएं हैं जिससे जन सामान्य जूझ रहा है, वो समस्याएं रही एक तरफ, मगर पहला मुद्दा जिसे मैं सबसे पहले उठाना चाहूंगी वो ये कि फिरोजाबाद कागजों पर नगर निगम हो गया, लेकिन आज भी अगर आप फिरोजाबाद में एंटर करेंगे तो वहाँ जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर साफ साफ लिखा हुआ है फिरोजाबाद नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। तो मेरी नजर में तो फिरोजाबाद नगर पालिका ही रह गया, मैं तो पहली बार आई फिरोजाबाद, क्या आपको नहीं लगता? जी, तो जब फिरोजाबाद नगर पालिका ही रह गया तो नगर निगम के चुनाव क्यों होने हैं? तो मेरा सवाल आप प्रत्याशियों से है कि जब फिरोजाबाद को नगर निगम आपको पब्लिक के सामने दर्शाना है तो वो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे जिससे फिरोजाबाद यहाँ आने वाले लोगों के लिए नगर निगम बन जाए? देखिए मैडम, ये जो नगर निगम बना ये हमारी सरकार में हमारे सांसद अक्षय यादव और हमारे उस वक्त हमारा दुर्भाग्य रहा कि हम दोबारा सरकार में नहीं आ सकते, लेकिन जो लोग सरकार में आ गए और उन्हें आज 7 महीने हो गए तो उन्हें ये बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा कि नगर पालिका है कि नगर निगम है। मैं अपने कांग्रेस भाई हमारे छोटे भाई अतुल चतुर्वेदी जी, उन्होंने ये कहा कि हम बहुत विश्व का सबसे बड़ा टाउन प्लानर, इंडिया का टाउन प्लानर लाएंगे और ये करेंगे और जल की व्यवस्था हम ऐसी करेंगे कि 10 साल तक पानी की समस्या। इनको जानकारी होनी चाहिए कि हमारे सांसद अक्षय यादव ने वायदा किया था कि हम शहर को शुद्ध जल देंगे और माननीय उस समय के मुख्यमंत्री के द्वारा जिला जल परियोजना का एक मिनट पेपर वर्क हो रहा है, यहाँ पर
पहले प्रत्याशी कोई बुलवा रहे उन मुद्दों को कम से कम यहाँ ना उठाया जाए जिनका कोई परिणाम ना निकल सके, जिनसे कोई एक ठोस जवाब ना मिल सके। और रहा सवाल जेड़ा छाल परियोजना का, एक अगर आप लोग मुझे अनुमति दें तो मैं आपसे बात करूँगी, तो उन मुद्दों को यहाँ ना उछाला जाए जिनका कोई समाधान ना निकल सके। मेरा सवाल सीधा ये था कि भविष्य की क्या योजनाएं हैं जिसे फिरोजाबाद नगर निगम पहचाना जा सके। मेरा सीधा सवाल ये था, जो भूत में था वो था, उसके लिए तो हम आज भी तरस रहे हैं, आज भी प्यासे ही हैं, लेकिन अब नई क्या परियोजनाएं हैं जिनके दम पर आप फिरोजाबाद को नगर निगम बनाए। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी, यहाँ सभी लोग समस्याएं तो बताते हैं लेकिन समस्याओं का क्या समाधान है, क्या प्लान लेके आए, ये कोई कुछ नहीं बताना चाहता। मैं ये कहना चाहूंगी कि पहले तो यहाँ पर मेन समस्या पानी की थी, उसके लिए पानी की व्यवस्था, शुद्ध पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए, और जहाँ पर पाइपलाइन नहीं पहुंची है वहां पर पाइपलाइन पहुंचानी चाहिए। लोग रिक्शे से भर भर के पानी अपने घरों में ले जा रहे हैं। और दूसरी समस्या मुझे जो मेन मुद्दा नजर आता है, यहाँ पे कूड़े और करकट का नजर आता है जो चारों तरफ ढेर लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं चाहूंगी जो नगर निगम की खाली जगह है उसमें कूड़े करकट का ढेर को लगा करके पार्क में कन्वर्ट कर दिया जाए, या एक रिसाइकिल प्लांट आता है जिसका सुझाव मैं, अगर आप लोगों ने मुझे मेयर बनाया तो मैं सरकार को भेजूंगी, वो रिसाइकिल प्लांट के थ्रू उसको खाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है कूड़े करकट को, और या फिर उसे बायोडिग्रेड कर दिया जाता है। और तीसरा सड़कों के लिए यहाँ पे सड़कों का विकास तो बहुत अच्छा हुआ है, कहते हैं फिरोजाबाद शहर बिल्कुल एकदम उन्नति और विकास की सीमा छू रहा है, तो उसके लिए चारों तरफ 70 वार्डों में 5 सड़क ऐसी नहीं है जहाँ गड्ढों के भरमार ना पड़े हो और बच्चे गिर रहे हैं। मैं खुद जनसंपर्क कार्यक्रम में जा रही हूँ, इधर उधर उछल उछल के निकल के सबसे जनसंपर्क कार्यक्रम कर रही हूँ, ये तो आप सबको देख ही रहे हैं। और यहाँ जाम की समस्या मुझे बहुत दिखाई देती है, तो लोगों ने ये कभी ध्यान ही नहीं दिया कि लोगों को जागरूक करना चाहिए कि रेड लाइट्स के क्या रूल्स होते हैं, उन्हें समझाना चाहिए, चौराहों पे सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए। और तीसरी चीज ये होती है कि जहाँ पे फ्लाईओवर की व्यवस्था हो सकती है उसका प्रस्ताव आज तक किसी ने नहीं भेजा। इन्होंने तीन बातें सामने रखी, पहला जो वेस्ट सीसीटीवी कैमरा भी लगे बिल्कुल, और आगरा से आप आई हैं, आपको जानकारी क्या है के बारे में, जो भी प्लांट लगा है वो पानी का भी वार्ड हमारी सरकार ने लगाया है, और जो 70 वार्डों में जो भी आपको खुदी सड़कें दिखाई दे रही है, सिविल लाइन और जो गंगा जल योजना उसकी लाइन पड़ी है, आपको जानकारी क्या है। देखिए इस तरह अगर आप हल्ला मचाएंगे, देखिए मेरे यहाँ हर पार्टी के समर्थक से विनम्र निवेदन है कि कम से कम बातों को क्लियर होने दीजिए, लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं समाधान निकलने वाला। मैं आपसे पूछती हूँ, पायल जी ने बताया कि वेस्ट मैनेजमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट एंड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट के प्लान वो एप्लीकेबल करेंगे अपने टेन्योर में अगर वो मेयर बनी, तो आप क्या करेंगे? देखिए, अगर कांग्रेस पार्टी के मेयर को चुना आप लोगों ने, तो सबसे पहले तो मैं अपने बड़े भाई श्री राजनारायण गुप्ता जी की बात का बड़े सम्मान के साथ जवाब देना चाहूंगा कि उनको यद्यपि लगता है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत विकास किया, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को ऐसा नहीं लगा जिसका परिणाम सामने है। जहां तक फिरोजाबाद के नगर निगम का सवाल है, तो हाँ, समाजवादी पार्टी के जमाने के भ्रष्टाचार और उनसे संबंधित जांचें अखबारों का विषय रही है, और अगर कांग्रेस का मेयर बना तो वो अखबारों में नहीं हकीकत में जांच होकर कार्रवाई होगी। जहां तक प्लानिंग का सवाल है, तो मेरी बात को आप जरा सोचिए कि आज आपने पानी मांगा और हमने समरसेबल खुदवा दिया और 2 साल बाद पानी का लेवल नीचे चला गया, तो क्या मतलब है? इसकी एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग की आवश्यकता आज इस शहर को है, उसकी सोच का मेयर चाहिए। वाटर हार्वेस्टिंग प्लांट हर जगह, हर घर में, जब तक रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं होगा तब तक पानी का ये जो नीचे जा रहा है ये नहीं हल होगा। इन तरह के मुद्दों पर, आधुनिक वैज्ञानिक तरीकों पर
वेस्ट वाटर वेस्ट मैनेजमेंट का सवाल है। पूना और गाजियाबाद में बड़ी अच्छी तरीके से ये प्लांट चले हैं, किंतु उनमें आर्थिक समस्याएं रही हैं। उन आर्थिक समस्याओं का पहलू सोचने के बाद फिरोजाबाद में ये लागू किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी जो है उसको काम करना आता है, काम करना दिखाया है और काम करके दिखाएंगे। वेस्ट मैनेजमेंट और का जो और वाटर हार्वेस्टिंग का जो उन्होंने प्लान बताया वो नगर पालिका जब थी फिरोजाबाद तब भी लागू किया जा सकता था, परंतु परेशानी ये है कि फिरोजाबाद का विकास प्राधिकरण सो रहा है। खैर आप लोग देखिए, आप लोग बताइए आपके पास ऐसी क्या योजनाएं हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो मेयर प्रत्याशी जी जितने भी यहाँ है और जो समस्या का समाधान बता रहे हैं यहाँ पर बार बार, मैं यही कहना चाहूंगा जो समस्याएं हैं ये शुरुआत से चली आ रही हैं, लेकिन जो भी मेयर प्रत्याशी होगा वह हमेशा अपनी पार्टी हाईकमान के हिसाब से ही काम करेगा, कोई भी व्यक्तिगत हिसाब से नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर जो काम हो रहा है, जो वादी में या क्वेश्चनों के जवाब दिए जा रहे हैं ये यहीं पर दिए जा रहे हैं, इसके बाद जब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं तो जो वादी में आम आदमी की राजनीति है वो ये राजनीति से बदलकर धर्म की और राजनीति में परिवर्तित हो जाती है। इसलिए आम आदमी की कोई भी सुनवाई नहीं होती, किसी भ्रष्टाचार पर काम नहीं होता, क्योंकि यहाँ से मुद्दे ही बदल जाते हैं। देखिए जनता की शिकायत है कि मैं जनता के प्रश्न नहीं ले रही, तो मैं प्रशांत जी हो गए यहाँ पर, मैं उनसे कहूंगी कि जनता के पास जाएं और जिनके भी सवाल हैं कृपया करके वो सवाल सामने लेकर। देखिए अभी हमारे बड़े भाई धर्मदास जी ने कहा कि ये तो बाहर की है, आगरा से आई है, क्या इनके परिवार में स्वयं ही बहन भाई में शादी कर दी जाती है क्या? एक घर को छोड़कर दूर जाती है। हम भी अपनी बेटियों को फिरोजाबाद, लखनऊ, दिल्ली, बंबई, अन्य जगहों पर भेजते हैं। दूसरी बात रही विकास के क्षेत्र की, आपकी बात स्पष्ट नहीं है। जी जी स्पष्ट कीजिए। जी स्पष्ट ये नहीं कि उनका जो क्वेश्चन पुटअप था कि आप बाहर के आई है, यहाँ की जमीन से कौन उत्पन्न हुआ है? बहु हमेशा बाहर से आती है। सर्व समाज की जनता अमल बना दिया है। मेरा एक क्वेश्चन है आदरणीय चतुर्वेदी जी से, क्योंकि वो राष्ट्रीय पार्टी के प्रतिनिधि हैं। पहला क्वेश्चन कि आपका अगर मेयर जीता तो मेयर की कुर्सी पे आप बैठेंगे या मैडम? दूसरा प्रश्न, मैं एक उदाहरण आपसे चाहूंगा कि आपके मेयर कई और जगह भी रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के तमाम नगर निगम है, 16 नगर निगम उसमें रहे होंगे। एक उदाहरण कि आपने कहां इंडिया का टॉप टाउन प्लानर बुलाया और वहां से आपने प्लानिंग कराई और वो नगर निगम आज हर तरह की सुविधाओं से लैस है। एक क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आम आदमी पार्टी के दोनों लोगों से, आपने कहा कि अगर हम जीते तो दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल लाएंगे। दिल्ली का डेवलपमेंट मॉडल कौन सा? डेंगू, चिकनगुनिया, गंदगी या ऑर्डिन ह्यूमन नंबर का आज तक कुछ नहीं कर पाए, या पॉलिटेड दिल्ली, कौन सा वाला लाएंगे? वहाँ तो आदरणीय महोदय, आपका पहला प्रश्न था कि मेयर कौन बनेगा, आपको मालूम नहीं है चुनाव कौन लड़ रहा है? और एक पार्टी लड़ रही है, पार्टी के लोग हमेशा सहयोग करते हैं। ये उस तरीके का सिस्टम नहीं है कि कोई आपने खड़ा कर दिया और कोई वो है। हमारी मेयर शाहजहां परवीन जी बनेंगी और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता नगर के प्रबुद्ध लोगों को साथ लेके ये एहसास कराएगा कि वो सब मेयर है, इस विकास में सहभागी है। दूसरे प्रश्न का उत्तर मैं पहले उत्तर दे दूं फिर आप दोबारा पूछिए। आपने कहा तो यहाँ से दिल्ली और दिल्ली से चंडीगढ़ जाइए, आपको मालूम पड़ जाएगा कि टाउन प्लानर कांग्रेस ने कौन बुलाया था और टाउन प्लानिंग करके कौन सा नगर बनाया।
देखिए प्रश्न ये आप गलत समझे, प्रश्न ये था कि ऐसे तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी भी थे, लेकिन सब जानता है सत्ता किसने संभाली। जो सवाल मेरे पास है मैं उनका जवाब ले लूं फिर आप लोगों के पास वापस आऊं तो बेहतर रहेगा, वरना सवाल सवाल शोर में खो जाएंगे। यहाँ पर यानी बीजेपी का अगर हमारी सवाल बोली आई मेयर की प्रत्याशी कोई प्रतिनिधि उनका वहाँ पर डाला जाए नहीं, कोई एक व्यक्ति आए उनका जवाब दे सके। ऐसा है बीजेपी को एहसास हो गया है मुकाबले से पीछे है इसलिए। अभी एक प्रश्न पूछा गया था आम आदमी पार्टी के लिए, मैं उसका ये छोटा जवाब दूंगा। आपके बिल्कुल सही है कि डेंगू चिकनगुनिया आपने बहुत सारी चीजें, ये सारी चीजें पूरे देश में आप सभी से गुजारिश है कि संविदा पायल राठौर जी आप अपने समर्थकों से प्लीज ये रिक्वेस्ट कर दीजिए कि वो शांति से बैठे। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप शांत होके बैठ जाइए। अगर आप अपने प्रतिनिधि को यहाँ भेज रहे हैं तो उन्हें मौका दीजिए आपके बिहाफ पर बोलने का। जी आप अपने सवाल का जवाब। वैसे वही कहना चाहूंगा जो प्रश्न भी इन्होंने किया था कि डेंगू चिकनगुनिया, देखिए ये सारी समस्या पूरे देश में कहीं ना कहीं होती रहती है ठीक है ना। बात थी कि दिल्ली के विकास मॉडल की, विकास मॉडल में जो मोहल्ला क्लिनिक खोला गया है सभी जगह दिल्ली में उसी तर्ज पर यह मोहल्ला क्लिनिक खोला जाएगा, वहां पर MBBS डॉक्टर की व्यवस्था की जाएगी। जो बात शिक्षा की है मनोज सिसोदिया जी ने जो बात शिक्षा का एक प्रारूप एक ढांचा तैयार किया है उसी तर्ज पर हम यहाँ पर लाएंगे, लेकिन हम संविधान की राजनीति करते हैं कोई एक धर्मवाद या जाति की राजनीति नहीं करते। पब्लिक के और क्वेश्चंस, पब्लिक क्वेश्चंस। जी जी बताइए। एक क्वेश्चन हो गया सर। सर्वप्रथम यहाँ विराजमान सभी महान भावों का स्वागत और अभिनंदन करता हूँ और यहाँ प्रत्याशी 6 बुलाए गए हैं उसमें से मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी शायद मैदान ही छोड़ गया और उनके कुछ समर्थक बोल रहे हैं प्रतिनिधि आना चाहिए और बाकी यहाँ 1, 2, 3 और 4 उसमें से 2 तो विकलांग हैं उन्हें पहले ही बैसाखी की जरूरत पड़ चुकी है और तीसरे मेरे आदरणीय चाचा जी कह रहे हैं अर्धनारेश्वरों में आया हूँ वहां फिर चाची जी जाम में फंसी हुई है। तो आप सभी जनता से मेरी रिक्वेस्ट है आप स्वयं समझ जाएंगे कौन प्रत्याशी इस शहर के लायक है और सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि सही प्रत्याशी शिक्षित प्रत्याशी सही सोच को चुने। ये आपकी चुनावी रैली नहीं है, कृपया करके अपनी अपनी पार्टियों का प्रचार ना करें, मर्यादित भाषा का प्रयोग करें। तो हाथ उठाएं। जी मुझे ये बताइए चुनाव एक ही पार्टी का है बाकी सब जाए यही जीत का सेरा बैठ के जाएंगे। कांग्रेस भी बहुत दम रखती है और हम अपने प्रत्याशी को जीत के दिखाएंगे। आप किस पार्टी के लिए कह रही है कि प्रोग्राम इसको ही एक बसपा वाले ही जीतेंगे बाकी सब बेकार है, इतनी जनता बैठी वो पागल है। ये उठे सीधे शब्द हम बैसाखी देते हैं हम बैसाखी लेते नहीं है दोस्तों। एक मिनट मेरी एक बात सुन लीजिएगा, ये उद्देश्य जिस उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं यहाँ आए हैं इसको कृपया ये जो बाहर से लोग आए हैं ये चीज दिखा दें कि हम हम फिरोजाबाद के लोग कैसे हैं। नंबर एक बात मैं सिर्फ ये जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं आप शायद मेरी बात मैडम आप थोड़ी मेरी भी सुन लीजिएगा, मैं इस बात से आप शायद सहमत होंगे यहाँ जितने प्रत्याशी आए हुए हैं किसी ने भी ये कहने का साहस नहीं दिखाया है कि हम वो हर एक आदमी कह रहा मैं गड्ढे मुक्त करूंगा प्रकाश युक्त करूंगा ये करूंगा वो करूंगा, किसी ने ये साहस नहीं दिखाया है कि सन 14 से जो माँ ये नगर निगम का जो टैक्स लिया जा रहा है इसको हम खत्म करेंगे कि है किसी में साहस जो इस बात को कहें। बात रही नगर निगम में लगाए गए टैक्स की तो बात सवाल भी यहाँ से उठकर खड़ा होता है कि 2014 से फिरोजाबाद नगर निगम में नगर निगम वाले कर जो भी है वो लगा दिए गए लेकिन फिरोजाबाद में आज तक फिरोजाबाद नगर निगम की कोई भी सुविधाएं मुहैया
करवाए गए, ये मुद्दा है, लेकिन उसका जवाब देने के लिए ये लोग नहीं है। ये आएंगे सत्ता में तब कुछ करेंगे, उसके लिए जो अभी सत्ता में है उनको उनसे प्रश्न किया जाना चाहिए। नगर निगम बना हुआ है लेकिन होर्डिंग बैनर अभी भी नगर पालिका के लगे हुए हैं, और यहाँ हाउस टैक्स वाटर टैक्स हम पूरा भरते हैं लेकिन हमें वो सुविधा नहीं मिलती है। आज भी गलियों में जाकर देखो 15 दिन में कूड़े की गाड़ी आती है, हम प्राइवेट लगाए हुए हैं, हमें क्या सुविधा मिल रही है? मैं ऐसे निगम को नहीं मानती जी। जनता का कहना है कि वो ऐसे फिरोजाबाद नगर निगम को नहीं मानती जहां पर 15 दिनों तक कूड़ा पड़ा रहता है, पानी है नहीं, बिजली की सुविधा है नहीं। आप क्या करेंगे, आपकी प्रत्याशी क्या करेंगे समस्याओं को सुलझाने के लिए? जो ऑटोमोटिव कार्यक्रम है उससे भी सहमत, आपने जो यहाँ बुलाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के समर्थक है, आपसे जनता नहीं है, और केवल यहाँ मीटिंग हो रही है, अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन हो रहा है। अरे स्पष्ट सवाल करो, स्पष्ट जवाब लो। देखिए बात बिल्कुल पते की, अगर आपको जवाब सही चाहिए तो सवाल भी सही होना चाहिए, सही सवालों का ही सही जवाब मिल सकता है। बहरहाल आपने इस बात पे कुछ कहा नहीं कि फिरोजाबाद को नगर निगम की सुविधाएं देने के लिए आपकी पार्टी क्या जी। देखिए फिरोजाबाद नगर निगम अभी मैं कुछ बोलूंगा ये लोग फिर उठेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ सावित्री देवी जी कार्यक्रम में पधार चुकी है, कृपया। नगर निगम बना हुआ है लेकिन होर्डिंग बैनर अभी भी नगर पालिका के लगे हुए हैं, और यहाँ हाउस टैक्स वाटर टैक्स हम पूरा भरते हैं लेकिन हमें वो सुविधा नहीं मिलती है। आज भी गलियों में जाकर देखो 15 दिन में कूड़े की गाड़ी आती है, हम प्राइवेट लगाए हुए हैं, हमें क्या सुविधा मिल रही है? मैं ऐसे निगम को नहीं मानती जी। जनता का कहना है कि वो ऐसे फिरोजाबाद नगर निगम को नहीं मानती जहां पर 15 दिनों तक कूड़ा पड़ा रहता है, पानी है नहीं, बिजली की सुविधा है नहीं। आप क्या करेंगे, आपकी प्रत्याशी क्या करेंगे समस्याओं को सुलझाने के लिए? जो ऑटोमोटिव कार्यक्रम है उससे भी सहमत, आपने जो यहाँ बुलाए हैं वो सिर्फ और सिर्फ पार्टियों के समर्थक है, आपसे जनता नहीं है, और केवल यहाँ मीटिंग हो रही है, अपने अपने प्रत्याशियों का समर्थन हो रहा है। अरे स्पष्ट सवाल करो, स्पष्ट जवाब लो। देखिए बात बिल्कुल पते की, अगर आपको जवाब सही चाहिए तो सवाल भी सही होना चाहिए, सही सवालों का ही सही जवाब मिल सकता है। बहरहाल आपने इस बात पे कुछ कहा नहीं कि फिरोजाबाद को नगर निगम की सुविधाएं देने के लिए आपकी पार्टी क्या जी। देखिए फिरोजाबाद नगर निगम अभी मैं कुछ बोलूंगा ये लोग फिर उठेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ सावित्री देवी जी कार्यक्रम में पधार चुकी है, कृपया। मैं हमारी आज प्रेस वार्ता हुई थी जिसमें हमने अपना घोषणा पत्र निर्गत किया है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि हम यहाँ फिरोजाबाद की जनता को हाउस टैक्स और वाटर टैक्स में काफी रियायतें देंगे, और जो निराश्रित लोग हैं और जो विधवाएं हैं और दिव्यांग हैं उनके वाटर और वाटर टैक्स और हाउस टैक्स को माफ किया जाएगा। देखिए हाउस टैक्स और वाटर टैक्स का जो मुद्दा है इसमें लगभग पूरे नगर के बाशिंदों की एक ही राय है कि ये बड़े बिना सोचे समझे लागू कर दिया गया है, इसका फिर से एक तरह से पुनर्विचार करके और संभव जितनी राहत होगी वो देना तो जो भी हम लोग जीतेंगे हमारा दायित्व बनेगा ही। शॉर्ट एंड सिंपल, ये मेरे लिए रूल है, मतलब हम छोटी पार्टी है तो ये टिकट मेरे लिए है। की बात आई थी हमारे घोषणा पत्र में आम आदमी पार्टी के में साफ साफ दिया गया है कि अगर आम आदमी पार्टी का मेयर बनता है, क्योंकि ये निर्दलीय प्रत्याशी की बात नहीं है, पार्टी की बात है, हम लोगों का जो टैक्स है वो हम हाफ करेंगे माफ करेंगे, और ये आम आदमी पार्टी का आपसे वादा है जो जैसा कि दिल्ली में चल रहा है उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ सत्ता बदलने नहीं आए, यहाँ की व्यवस्था बदलने आए, अगर हमारी पार्टी आती है हम दिल्ली जैसा काम करके ही दिखाएंगे। दिल्ली की लूट, आम आदमी पार्टी का दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है आम आदमी पार्टी का आपसे वादा है जो जैसा कि दिल्ली में चल रहा है उसी तर्ज पर हम लोग यहाँ काम करेंगे। यहाँ सत्ता बदलने नहीं आए, यहाँ की व्यवस्था बदलने आए, अगर हमारी पार्टी आती है हम दिल्ली जैसा काम करके ही दिखाएंगे। दिल्ली की लूट, आम आदमी पार्टी का दावा है, आम आदमी पार्टी का दावा है, क्वेश्चन
क्वेश्चन बन रहा है, वाद विवाद में ना पड़े, क्वेश्चन करें वाद विवाद में। मेरे दो सवाल हैं, यहाँ जो मेयर के उम्मीदवार हैं उनसे मेरे दो सवाल हैं। जब फिरोजाबाद में कोई रजिस्ट्री कराने जाता है, बैनामा कराने जाता है, तो उससे 2% डेवलपमेंट चार्ज लिया जाता है, उस डेवलपमेंट चार्ज के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है, एक सवाल। दूसरा सवाल, फिरोजाबाद की जो प्राइमरी एजुकेशन निगम के अंडर में है उसके लिए आपकी क्या प्लानिंग है, इसका जवाब दें। एक सवाल मेरा भी है और वो ये है कि हम लोग बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं दिल्ली का मॉडल की, मुझे लगता है कि फिरोजाबाद का मॉडल रहे तो ज्यादा सक्सेसफुल होगा। नहीं है, माय ओपिनियन एंड आई हैव माय ओन ओपिनियन। मेरा कहना ये है कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है वो जैम की है। आज भी अभी एमजी कॉलेज से लेकर और बस अड्डे तक 1.5-2 घंटे से जाम लगा है, इस पे काम होना चाहिए। दूसरा, मार्केट में कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे। शास्त्री मार्केट में एक भी लेडीज टॉयलेट नहीं है, ये बड़ा महत्वपूर्ण और गंभीर मुद्दे हैं, भले ही छोटे हों। सब यहाँ करेंगे जी। आप लोग जो जिसको लगे इस सवाल का जवाब दे पाए वो मुझे बता दे, मैं उनसे जवाब ले। पहले मैं ये कहना चाहूंगी, आपने बोला रजिस्ट्री में 2% टैक्स लगता है, जो डेवलपमेंट टैक्स होता है, जो पुरानी सरकार रही है उन्होंने उसका क्या किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये चाहूंगी वो जो टैक्स लिया जा रहा है उसे यहाँ पे डेवलपमेंट में लगाया जाए। और दूसरी चीज मैं ये कहूंगी, आपने बोला नगर निगम के जो स्कूल है उसके लिए क्या व्यवस्था रहेगी, तो मैं सबसे पहले ये चाहूंगी जो नगर निगम के बंद पड़े स्कूल है उन्हें जल्द से जल्द खुलवाया जाए, और जो नए स्कूल है उन्हें उनसे जोड़ा जाए ताकि शिक्षा यहाँ पे फैल सके। जो वहाँ पे शिक्षकों की कमी है उसके लिए मैं सरकार को प्रस्ताव भेजूंगी ताकि वहाँ पे शिक्षकों की कमी को पूरा कर सके। देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट टैक्स का सवाल है तो हम लोगों का तो मुख्य मुद्दों में से एक ये है ही है कि अभी तक जो भी सरकारें और जिनके यहाँ पे प्रतिनिधि चुने गए हैं उन्होंने टैक्स लेने का तो काम किया, लेकिन वो जो टैक्स वापस जनता को सेवाओं के रूप में देना चाहिए वो भ्रष्टाचारियों को दिया गया, जनता को कोई सेवा के रूप में नहीं दिया गया। तो इस पे अंकुश लगाएंगे और इसका सही जगह उपयोग होगा। दूसरा, जो प्राइमरी स्कूल का सवाल है, बिल्कुल सही है, स्कूल खुलने चाहिए, उनकी व्यवस्थाएं सही होनी चाहिए, लेकिन यदि कांग्रेस पार्टी का मेयर बना तो सबसे ज्यादा ध्यान इस पर दिया जाएगा कि वो स्कूल ऐसे चले कि लोग अपने बच्चों को वहां पढ़ने भेजें। वो ये था कि फिरोजाबाद के मार्केट की जो स्थिति है और जो फिरोजाबाद में जो जाम है उन पर क्या बोलेंगे आप? जो फिरोजाबाद में जाम की स्थिति है वो क्यों लगती है, सबसे पहले तो इसी पर विचार करना चाहिए कि जो हमारे यहाँ चूड़ी का शहर है, जो कि ठेले वाले होते हैं, तो जितने भी गोदाम वगैरह है उनको एक इस तरह से हमारे शहर के जो मुख्य बाजार से हटाकर एक कहीं इनका पूरा बाजार बनाना चाहिए ताकि जो ठेले वाले हैं वो बीच में ना आए। ये मेन जाम की समस्या लगती है ठेले वालों से। और मैं दिल्ली के मॉडल पर एक प्रश्न करना चाहूंगा जो इन्होंने मुझसे कहा, नहीं मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि यहाँ पर भी लोग रहते हैं, बीमार पड़ते हैं, और जो प्राइवेट क्लिनिक चल रहे हैं जो कि उनको दवाइयाँ महंगी दी जाती हैं, मोहल्ला क्लिनिक जब हो जाएंगे तो उनको फ्री में दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। उम्मीदवार है पायल राठौड़ जी, मैं उनसे एक सवाल करना चाहूंगा, जलमूल और वाटर टैक्स में क्या अंतर है पहले ये बताएं। मेयर का चुनाव लड़ रही है, जलमूल और वाटर टैक्स में क्या अंतर है, और जल निगम और जलगम विभाग में क्या अंतर है? मैडम, ऐसा है कि फिरोजाबाद में अभी तक नगर निगम के जो चुनाव पहली बार होने जा रहे हैं और हाउस टैक्स और वाटर टैक्स जो नगर निगम ने बिना वोट बनाए लगाया है वो अवैध है। इसके लिए हम लोगों ने बहुत आंदोलन किए हैं, प्रदर्शन किए हैं, और हम जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये आपको आश्वासन देते हैं कि जो हमारा घोषणा पत्र में है कि जो पार्टी के बिहार पर बोलने के लिए आपका कैंडिडेट खड़ा है, जो घोषणा पत्र में है वो ये है कि हमारा मेयर का चुन लिया जाएगा और जो नगर निगम ने जो हाउस टैक्स वाटर टैक्स लगाया है उसमें 50% की रिबेट दी जाएगी। हेलो, मैं अनूप चंदी जैन सवाल करूंगा। अनूप चंदी जैन, फिरोजाबाद की आबादी 15,000 के बढ़कर 7 लाख हो गई है, नगर पालिका नगर निगम में परिवर्तित हो गई है, लेकिन आज फिरोजाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र में
पिछले अखबारों को पढ़ के ऐसा लगा कि मिलावट बहुत तेजी से बढ़ी है और मिलावट रोकना नगर निगम का दायित्व। चार चार क्विंटल पनीर, चार चार क्विंटल रसगुल्ले और दूध 70% सिंथेटिक का आ रहा है। तो मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं, आप सबसे पूछना चाहूंगा कि क्या मेयर बनने के बाद नगर निगम जनजीवन के स्वास्थ्य के साथ जो खिलवाड़ हो रही है उसको रोकने की दिशा में क्या सोचते हैं आप लोग? किसी राजनीति से उनका कोई संबंध नहीं है। मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा कि उन महिलाओं से जो मेयर होने जा रही हैं, उनसे क्या अपेक्षाएं रखती हैं कल्पना राजौरिया? धन्यवाद पचौरी जी। बहुत देर से यही सोच रहे थे कि महिला आरक्षित सीट है और महिलाओं का नंबर नहीं आ पा रहा। सबसे पहले उस वीरांगना को बधाई जो अकेली आज इस प्रत्याशी के रूप में खड़ी, पहली बधाई। मैं किसी पार्टी को बिलोंग नहीं करती, मैं पहली बार सुन रही हूँ उन्हें, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि जिस पद के लिए ये फर्स्ट हमारा नागरिक है अपने शहर का, ये सीट बहुत बड़ी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमेशा यही कहते हैं कि यदि सीट आपके लिए रिजर्व्ड है तो सीट पे वही कैंडिडेट दिखाई दे जो उसको डिजर्व करता है। बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही प्रश्न क्योंकि मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ, हम बहुत सारे मुद्दे हैं, सारे चलते रहेंगे। हमारे यहाँ टैक्स जो लिया गया जो मेन मुद्दा है, नगर निगम जब तक नहीं बन रहा और जब तक सुविधाएं नहीं दे रहा नगर निगम की, आपकी पार्टी जो सभी हैं, सभी पार्टियों से कहेंगे कि आप क्या अपने मैनिफेस्टो में ये घोषणा करेंगे कि जो टैक्स हमसे अभी ले लिया गया अनाप शनाप, क्या आप उसे समायोजित करेंगे? जी, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, काफी समय से हमारी छतें हमारी नहीं है, बंदरों का राज है। सड़क पे चले तो आवारा जानवरों का राज है। सड़क पे चलते कब कौन कुत्ता काट ले किसी बच्चे को और फिर हॉस्पिटल में लाइन लगती है, कुत्ता काटने की इंजेक्शन नहीं मिल रही है। बहुत अजीब सी समस्या और इससे सभी रूबरू हो रहे हैं। इसके विषय में क्या प्लानिंग है आप लोगों की और उस प्लानिंग का आप मैनिफेस्टो रिटर्न में जारी करेंगे या नहीं? क्योंकि लिखित को हम मानेंगे, ओरल हम आपका कोई आश्वासन नहीं मानेंगे। बहुत सही धन्यवाद। सभी जितने भी मेयर प्रत्याशी हैं सभी पार्टीज के यहाँ पर, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ कि आप जो भी आप लोगों में से अच्छा कैंडिडेट जनता को लगेगा, जनता चुनेगी, जीतकर आप लोग आए और शहर के लिए कुछ अच्छा काम करें। क्वेश्चन सिर्फ एक है और वो है, सबसे पहला और बड़ा काम जो स्वास्थ्य से संबंधित है, जिसमें छोटे बड़े बुजुर्ग सभी लोगों के का काम होगा, कि फिरोजाबाद शहर में सफाई व्यवस्था के लिए कौन सा मास्टर प्लान आप लोग बनाएंगे, उस पर विशेष काम अगर आप करेंगे तो सभी को शायद हार्दिक खुशी होगी और उसी से आगे बेहतर से बेहतर होता रहेगा सब। जी थैंक यू जी। मैं यहाँ से आगे लेती हूँ और जिला मोहाल कर रखा है उसके लिए। दूसरा, जो सफाई की यहाँ पर सबसे बड़ी परेशानी है उसके लिए। और तीसरा मुद्दा, आपने टैक्स के लिए आप रिटर्न में कौन सी पार्टी रिटर्न में मैनिफेस्टो में जारी करेगा कि वो टैक्स में रियायत मिलेगी? आवारा पशु जो शहर भर में घूम रहे हैं वो उनके लिए स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए आप क्या करेंगे, आवारा पशुओं के लिए आप क्या करेंगे और जो टैक्स है उसका समायोजन की क्या व्यवस्था है आप रिटर्न में मैनिफेस्टो में जारी करेंगे? टैक्स कम कराने के लिए अधिकारियों के साथ बैठकर उसका निर्णय लिया जाएगा और जो आवारा कुत्ते ये जो तो बता रही हैं घूम रही हैं उनके लिए तो गाड़ियों की व्यवस्था कराने की क्या आप ये रिटर्न में देने का वादा करती हैं? मैनिफेस्टो में जारी करेंगे? करेंगे। इन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो में जारी करेंगे, आप बताइए। तो आपने बोला पुराने टैक्स को समायोजित करने की बात आप जो बोल रही हैं, तो मैं पुराने के लिए तो नहीं बोल सकती, पर आने वाले टैक्स के लिए मैं जरूर आपसे कहूंगी कि मैं आगे आने टैक्स में जरूर आपको कम करने की पूरी लिख के दूंगी। और दूसरी चीज रही कुत्तों की और बंदरों की बात, क्योंकि बंदरों में क्या होता है कि लोगों की धार्मिक अभिलाषा उनसे जुड़ी होती है, अगर हम उसके लिए कोई प्लान भी करते हैं तो कुछ लोग होते हैं जो उसके लिए हमारे अगेंस्ट आ सकते हैं, तब हम क्या करेंगे, आप हमारा साथ देंगे क्या? आपने बोला तीसरी चीज कुत्तों के लिए,
तो कुत्तों के लिए एक गाड़ी की व्यवस्था होती है, जो आवारा कुत्ते होते हैं उनको एक उनके लिए अलग से वो बनाया जाता है, कार वो बनाया जाता है, वहां पर उनको भेजा जाता है। तो मैं उसके लिए पूरी व्यवस्था करूंगी कि उन्हें वहां से शहर से हटाया जाए, क्योंकि काफी छोटे बच्चे होते हैं जो स्कूल वगैरह जाते हैं, उससे उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है। अब प्रेजेंट को जो है वो मैं बहुत अच्छी तरह देखूंगी, जो अभी प्रेजेंट हूँ, मतलब मेयर बनने के बाद जो भी काम है, सफाई सफाई का, ये आवारा कुत्ते और ये जो आपने अभी पूछे उन्होंने बताया, तो वो तो सभी मैनिफेस्टो में जारी करेंगे जी। तो आपके प्रमुख कामों में एक काम ये भी रहेगा, देखिए आप लोग इन बातों को नोट करिए, क्योंकि कल आप लोगों को ये क्रॉस क्वेश्चंस करने हैं इन लोगों से। आज के बाद ये कार्यक्रम समाप्त नहीं होगा, आज से शुरू होगा, क्योंकि एग्जाम जितना बड़ा इनका है उससे बड़ा आपका है कि आपको अपने लिए किसे चुनना है जी। आवारा पशुओं के लिए सफाई के लिए आप क्या करेंगे, आप उसको अपने मैनिफेस्टो में जारी करेंगे? सफाई के लिए हम जगह जगह कूड़ेदान रख पाए, सफाई के लिए जगह जगह कूड़ेदान रखे जाएंगे, और नगर निगम की गाड़ियां सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक सारे शहर का कूड़ा उठा दिया जाएगा। सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे के बीच में नगर निगम की गाड़ियां सारे शहर का कूड़ा लेके फेंकवाया। पीछे की तरफ लोगों को मौका प्लीज, मुझे सबके साथ बराबर इंसाफ करने दीजिए, वरना मुझे नहीं सुनेंगे लोग जी। यहाँ भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी तो अभी नहीं आई है, लेकिन जो 4 लोग खड़े हैं तो मेयर प्रत्याशी है। मैं सबसे पहले इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि जिस देश में गंगा बहती है उस देश में आज पानी के ऊपर राजनीति हो रही है, ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। दूसरा ये कि टैक्स को ये किस तरीके से समायोजित करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। जैसे यहाँ सुबह गाड़ियाँ, कई समस्याएं हैं, फिरोजाबाद समस्याओं से भरा हुआ है। मूलभूत इन्हें ये पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा यहाँ मजदूर वर्ग रहता है, जो कारखानों में काम करता है, जो सुबह अपने घर से 4 बजे 5 बजे कारखानों के लिए जाता है, उसको सबसे बड़ी समस्या आती है जाम की। जैसे कूड़े की गाड़ी सुबह 7 से 8 बजे के बीच पे, तमाम रोड ऐसे हैं जहाँ तमाम लंबा जाम होता है, वो मजदूर भी परेशान होता है, सब्जी वाला भी परेशान होता है, नौकरी वाला भी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अन्य जिलों की तरह यहाँ रात में सफाई की व्यवस्था ये लोग करा सकते हैं। दूसरा, जो सरकारी अस्पताल में आप देखेंगे, शायद ये प्रत्याशी आज तक सरकारी अस्पताल में दवाई लेने वाली पर्ची में खड़े नहीं हुए होंगे, जहाँ तक मैं समझता हूँ। वहाँ गरीब आदमी केवल दवाई लेने जाता है, एक एक लाइन 100-100, 200-200, 500-500 की लगती है। मोहल्ला क्लिनिक खोलने की बात आम आदमी पार्टी ने कही, बहुत अच्छी लगी। क्या और राजनीतिक पार्टियों के पास इस तरीके का कोई विकल्प है जी? तो बाद में ये फैक्ट है कि फिरोजाबाद में जो है लेबर क्लास बहुत ज्यादा है, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, और उसको देखते हुए हमेशा वही लोग पीछे रह जाते हैं सुविधा पाने में। तो उन लोगों के लिए आपके क्या क्या प्लानिंग्स हैं? आप लोग में से सबसे पहले जवाब कौन देना चाहेंगे? सर आप अपने प्रत्याशी को बोलने दीजिए कभी तो। देखिए मैंने विकल्प दिया, क्वेश्चन करना चाहूंगा, क्या मोदी जी और योगी जी के अच्छे दिन नहीं है इसलिए भाजपा का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया? इसमें चैनल का कोई भी दोष नहीं है, सबको सबको समान रूप से इनविटेशन भेजे गए थे, यहाँ आना ना आना उनकी चॉइस है। ये जो लोग यहाँ उपस्थित नहीं है उनके बारे में आप बोलेंगे तो हम पूरी चिट्ठी खोल देंगे आपके। अगर किसी को ये करना हो, मोदी और योगी दोनों इलेक्शन गुजर रहे हैं, थोड़ा भैया दादा नहीं है, हम सबको सुन रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे, आप बिल्कुल सुन रहे हैं, क्या सुन रहे हैं आप अपने को? ये नहीं हमसे बहस करते ना, मैं जितने ये अपने प्रत्याशी खड़े हुए हैं, पहले सबसे पहले मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिससे सवाल किया जाए, जो मेयर के लिए जो कॉम्पिटेंट पर्सन है
उसके बगल में जो लोग खड़े हैं वो पहले तो मतलब वहां से हट जाएं, पब्लिक तो कम से कम इस तरीके से जो जो, जो उनका वक्त खराब किया जा रहा है वो गलत है, ये कहीं से भी मतलब प्रत्याशी जवाब भी दे रहे हैं और मैं एक पत्रकार की हैसियत से अपने पत्रकारों की एक समस्या उठाना चाहता हूं। आज से कुछ वर्ष पूर्व पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब बनाने की तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष मनीष सिसोदिया द्वारा आश्वासन दिया गया था और उन्होंने उसका अनुमोदन भी किया था, उसके लिए जगह भी सुनिश्चित करी, परंतु आज तक पत्रकारों के लिए कोई भी स्थान चयनित नहीं हुआ और ना ही उनके लिए प्रेस क्लब का निर्माण हुआ। तीन सरकारें निकल चुकी हैं और अब तो ये पिछली सरकार में अखिलेश यादव ने एक आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक हमारे प्रेस क्लब नहीं बना है। मैं प्रत्याशियों से जानना चाहता हूँ कि वो पत्रकारों के लिए क्या काम करेंगे। बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया कि यहाँ की जो पत्रकार लोग हैं मेरे साथी हैं उनके विचारों के पास बैठने के लिए कमरा नहीं है। कौन सी पार्टी पब्लिक से नहीं पब्लिक से क्या विरोध हम पत्रकारों के लिए क्लब बनवाएंगे यही कहना है। प्रेस हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि शायद जो भी गतिविधियां होती हैं हम लोगों को ही पता चलती है, तो मैं इसकी व्यवस्था जल्द से जल्द करना चाहूंगी। एक चीज और बोलना चाहूंगी, उन सर ने पूछा था कि हमारी जो लेबर क्लास है जो हमारी व्यवस्थाएं होती है उनसे छुट्टी रह जाती है, मैं उसका जवाब आपको देना चाहूंगी सर। एक्चुअली मैंने आगे आईटी का जिक्र किया, आजकल फोन सभी के पास में है, तो मैंने इसके लिए ये सोचा है कि मैं एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करूंगी जिसका नाम मैं हमारा फिरोजाबाद रखूंगी, ताकि मैं पब्लिक की पब्लिक का डायरेक्टली कनेक्ट हो सकूँ। जो भी प्रॉब्लम है कितनी सॉल्व हुई है उसका वो अपने सुझाव भी मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं कि ऐसा नहीं कि मैं ही सब कुछ अच्छा कर लूंगी, आप मुझे बता सकते हैं सर मैम आप ऐसे कर सकती हैं। जहाँ पर बात आई एप्लीकेशन की तो मैं कहना चाहूंगी कि जब से फिरोजाबाद नगर निगम बना है गत 3 वर्षों से फिरोजाबाद नगर निगम की एक वेबसाइट चल रही है, शायद यहाँ एक आध लोगों को पता हो, शायद भी किसी एक दिन चली होगी और उस पर साथ साथ लिखा हुआ है यदि किसी को समस्याएं हैं तो यहाँ पर एप्लीकेशन डाल सकता है। क्या आप इसे कभी किसी ने ट्राई की है वो वेबसाइट ट्राई की, क्या वो हेल्पफुल है? ये चिंता जनाने से बड़ा कोई नहीं है, चाहे किसी की भी सरकार रही हो चाहे कितने भी आश्वासन मिले हो, लेकिन फिरोजाबाद की जो समस्या है उनका समाधान इस जनता ने ही किया है। सन 77 में यहाँ नारायण तिवारी ने जिले की घोषणा की थी, लेकिन जिला तब बना जब 12 साल आंदोलन हुआ। सर आपका सवाल? हाँ, मेरा सवाल ये है कि यहाँ की कोई भी समस्या कोई भी प्रतिनिधि हल नहीं कर सकता, यहाँ की जनता को अपना खड़ा होना पड़ेगा प्रत्येक समस्या के लिए, सभी समस्याओं का समाधान होगा, अंतर कोई समस्या का समाधान नहीं होगा। धन्यवाद। मैं सबसे बड़ी मेरी पहला सब्जेक्ट रहे माननीय मनीष सिसोदिया जी, उन्होंने नगर पालिका के लिए क्या किया और मौजूद नहीं जवाब कैसे उसके बाद उनके प्रत्याशी भी मौजूद नहीं है, जनता बेवकूफ नहीं है जो उन्होंने जनता उनके सवालों के जवाब और अभी भी उनकी केंद्र में भी गवर्नमेंट है और यहाँ यूपी में भी गवर्नमेंट है और ऐसे प्रत्याशी जो मेयर के भी दावेदार है भारी बहुमत से रखते हैं, बताते हैं कि भारी बहुमत में अभी है जनता में भी प्रचार होता है इस तरीके से और वो जनता में अभी तक मौजूद नहीं हो पाए, तो ये जनता का क्या है? जनता के सामने कड़ी कड़ी आलोचना की जा रही है उनके लिए। से एक सवाल करना चाहता हूँ, सितंबर 2015 से नगर निगम बना है और सबसे पहले मैं प्रत्याशियों से पूछना चाहता हूं कि जो निगम में नजूल की जमीन है उसका प्लान क्या होगा, क्योंकि जो जमीनें खाली डली हुई हैं उनको आगे कैसे प्लान तैयार किया जाएगा। मैं प्रत्याशियों से मेरा सवाल है, जो नजूल की जो जमीनें डली हुई हैं जो खाली जगह डली हुई है उन जगह को कैसे विकसित किया जा सकता है? अगर आप इस कदर आप लोगों की समस्या है कि बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद नहीं है, प्रतिनिधि छोड़िए जो कैंडिडेट खड़ा हुआ है वो भी मौजूद नहीं है, जो आपकी समस्या है वही मेरी भी समस्या है।
समस्या है, जो आपकी समस्या है वही समस्या मेरी भी है। मैं कौन था वो बीजेपी तो नहीं बोल रही हूँ, जैसे जैसे मैं अगर किसी प्रकार का प्रतिनिधि हूँ और नहीं हूँ, मेरे लिए तो सब बराबर है, पूरे शहर के एक है। सुन रहे आज रहा मुझे बोलने तो बोलो, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं किसी पे अनुपस्थित में कोई बात नहीं करने वाला, न भाषण देने वाला। मैं ये कह रहा हूँ बस कि कोई भी बन जाएगा मेयर तो निश्चित रूप से मेरा पूरा सहयोग सभी जो भी बनेगा उसके लिए होगा। और रहा सवाल ये कि मुझे भाजपा के लिए खड़ा किया गया है, तो वो लड़की जब बनेगी मेयर तो समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी होगा, और जहां गड़बड़ होगी वहां उमपाल सिंह निडर से सवाल कर लेना कि क्यों नहीं हुआ। एक सवाल मेरा है फिरोजाबाद की जनता की तरफ से, जिसकी मुझे बड़ी कमी महसूस होती है, आपको हो या ना हो मुझे पता नहीं, आप सहमति दीजिएगा सवाल सुनने के बाद। सवाल ये कि फिरोजाबाद नगर निगम हो गया सबको पता है हो गया, लेकिन अब ये है अगर मुझे मन करे आज मैं घर में बैठे बैठे बहुत बोर हो गई, मुझे कहीं घूमने जाना है, फिरोजाबाद नगर निगम इतना सक्षम नहीं है कि मेरी उस अभिलाषा को पूरा कर सके, ऐसी कोई जगह नहीं है फिरोजाबाद की जहां बैठकर परिवार के लोग कुछ समय बिता सके, ऐसा कोई पिकनिक स्पॉट, ऐसा कोई पार्क जैसी कोई भी चीज फिरोजाबाद में नहीं है। और ऐसा नहीं है फिरोजाबाद के पास जमीन नहीं है, जो जमीन अधिकृत है उन जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है, गैर कानूनी तरीके से घर बना लिए हैं, मार्केट बन गए हैं। तो क्या आप फिरोजाबाद को उस एक पार्क की अभिलाषा, उस एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी की जगह की अभिलाषा नहीं है, पार्क की जरूरत नहीं है? मैडम एक्सक्यूज मी एंकर मैडम, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, लिसन टू मी, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया पार्क का। पार्क तो बहुत दूर की बात है, लोग अपनी सुविधाओं के लिए पार्क चाहिए, पिकनिक पॉइंट चाहिए। इकलौती एक मरगटी है जो नगर निगम दलेसर रोड पे, उसका भी इंतजाम कराइए नगर निगम। आप मुझे सवाल करते थे, तो क्या फिरोजाबाद के चंद्रमा गेट के पास ऐसी जगह मौजूद नहीं है जिसको पार्क में तब्दील किया जा सकता है? एक मिनट मैडम, है जगह है। तो आप ऐसे कौन इस बात को ध्यान देगा और अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगा कि फिरोजाबाद के पास भी एक जगह ऐसी होनी चाहिए? मैंने ये तो पहले ही सोच रखा है कि मैं बहुत ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करवाऊंगी, पार्क बनवाऊंगा, फिरोजाबाद को हरा भरा कराऊंगी। मैं ये बात पहले ही बोल चुकी हूँ, जो नगर निगम की जितनी भी खाली जगह है वहाँ पे वृक्षारोपण को प्रेरित करना चाहिए, इवन छोटे बच्चों के लिए भी बोलना चाहिए और पार्क को बनवाना ही चाहिए। आप बहुत पहले पार्क में जाके खुद कही थी कि आप अगर जो मुझे जनता चुनती है, तो मैंने वहाँ की महिलाओं से बात करी थी कि अगर आप हमें चुनेंगी तो ये पार्क नहीं रहेगा, एक हरियाली तो बहुत अच्छे झूले बच्चों के लिए इंटरटेनमेंट के लिए लगेंगे और शहर में विकास होगा, काम होगा शहर में, शहर का नाम होगा। जी कृति जी, एक कृति जी, एक लास्ट प्रत्याशी, मैं इनसे भी जवाब ले लूं। जमीन डली हुई है वहाँ पे पार्क बनवाए जाएंगे और बच्चों के लिए अच्छे स्कूल खुलवाए जाएंगे जो प्राइवेट से बेहतर होंगे और हॉस्पिटल भी अच्छे बनवाए जाएंगे जो प्राइवेट से बेहतर होंगे। जी प्रशांत जी, आप बस आगे एक सवाल है, आप बताइए क्या समस्या है, प्रमुख समस्या आपके सामने जो खड़ी हो रही है? पहली बार मुझे चुनाव होने जा रहा है, परंतु मैं अपनी सभी जनता जनार्दन के सामने प्रत्याशी से पूछना चाहता हूँ कि फिरोजाबाद के बाजारों के सुदृढ़ीकरण के लिए, उनको स्वस्थ बनाने के लिए, व्यापारियों को हित चिंतन के लिए, और व्यापारियों से अधिक से अधिक टैक्स तो लेती है नगर निगम, ये नगर पालिका जो रही है, परंतु उनकी सुविधाओं के लिए भी किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं अपने सभी बाजारों की ओर से, अपने फिरोजाबाद के सभी ट्रेडर्स की ओर से, जो कि नगर निगम के विकास के लिए टैक्स के रूप में सबसे अग्रिम भूमिका अदा करते हैं, उन व्यापारियों के लिए
हमारे प्रत्याशी क्या कहना चाहते हैं, मेरी ओर से भी फिरोजाबाद चूड़ी के लिए विश्व प्रसिद्ध है और वो चूड़ी के व्यापारी जो फिरोजाबाद का नाम दुनिया में ऊंचा किए हुए हैं, उनके लिए क्या किया जाए? देखिए, यहाँ का जो शहर है बहुत बड़ा क्षेत्र है, यहाँ की गलियाँ हैं बहुत सकरी सकरी हैं, तो वहाँ निकलने में दिक्कत होती है। चूड़ी के व्यापारियों के लिए क्या किया जाए? उनके लिए मतलब जो रास्ता चौड़ा करवाया जाएगा, जो गड्ढे हैं वो गड्ढे मुक्त करवाए जाएंगे, वो सड़कें चौड़ी करवाएंगे। चूड़ी के व्यापारियों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जो उनका व्यापार जो उनका टैक्स वसूल जाता है उसका उनके डेवलपमेंट के लिए काम कराया जाएगा, ताकि वो अपने अपना जो भी चूड़ियों का व्यापार उसको ढंग से शो कर सके, उसको उससे ज्यादा अपना पैसा कमा सके। मैं चाहूँगी जो व्यापारी ग्राहक आते हैं और उनके साथ मतलब लूटमार होती है, उसकी व्यवस्था मैं करूँगी, मतलब जो भी होगा वो मुझसे मैं वो जनता हूँ। देखिए, एक बड़ी बात सामने आई, उनका ये कहना है कि जो व्यापारी है वो देर रात तक आता है जाता है, उसके लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कांग्रेस मुहैया कराने का प्रयास करेगी। जी आप क्या करेंगे? इसी बैठ के उनकी सलाह लेके उनको क्या परेशानी है उनकी समस्या का समाधान करवाऊंगा। देखिए, मेरे पास समय की पाबंदी है और दूसरी बात ये कि जो चर्चा है इसका एक कंक्लूजन निकलना भी बहुत जरूरी है, तो यहाँ से हम एज ए कंक्लूजन क्या लेकर जाए ये निर्भर करता है आपके इस लास्ट स्टेटमेंट पर। ठीक है, मैं आपके पास लेकर करके आऊंगी, तो वो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप क्या देंगी कि यहाँ की जनता जो हाथ में उठ जाए वो आपको वोट देने के लिए मजबूर हो जाए? आप लोग ये बात सुनिए, देखिए मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं जो बोलना था बोल चुकी हूँ। मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगी, वोट आपका है, आप इसका सही इस्तेमाल कीजिए, सही बता सकते हैं। जो गन्ना पड़ा हुआ उसको मैं क्लीन और ग्रीन बना रहा हूँ, और जो भी मुझसे बन पाएगा जनता जो है मुझसे सहयोग चाहेगी। मैं यहाँ की सत्ता बदलने नहीं आई, यहाँ की व्यवस्था बदलने आई हूँ। जो व्यवस्था नहीं है उनको पूरी करूंगी, जो व्यवस्था हमारी दिल्ली में हो रही है वही व्यवस्था यहाँ लागू। जी देखिए, यहाँ आपको सपने दिखाए गए हैं, वैसे तो मुझे लगता है फिरोजाबाद की जनता बड़ी मायूस और निराश हो जाएगी अगर इन इलेक्शन के बाद उसे कुछ परिणाम नहीं दिखे। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। जी मैं भारतीय व्यापार मंडल की ओर से सभी जो मेयर प्रत्याशी हैं उनसे केवल एक ही प्रश्न करना चाहूंगा कि यहाँ फिरोजाबाद की जनता पर टैक्स बढ़ाए गए थे, हाउस टैक्स जो बढ़ाए गए थे, और जिस समय हम सभी ने मिलकर धरना किया था और उस समय सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जो भी प्रतिनिधि थे उन्होंने ये कहा था कि हाउस टैक्स में कटौती होगी, लेकिन आज तक किसी भी प्रत्याशी ने मैनिफेस्टो में हाउस टैक्स की कटौती का मुद्दे को शामिल नहीं किया है। क्या इस पर कोई भी मेयर प्रत्याशी काम करेगा? मैं ये भी बता चुकी हूँ, पहले तो जो नगर निगम के वीआईपी कल्चर पे जो ज्यादा खर्च होता है उसको कम किया जाएगा, दूसरा मैं सरकार से ग्रांट की मांग करूंगी ताकि आपके हाउस टैक्स को कम किया जा सके। जी देखिए, आप लोगों ने बड़ी ही सहजता से, क्योंकि बीजेपी बड़ी पार्टी है, आप लोगों ने बड़ी सहजता से यहाँ नोटिस कर ली कि बीजेपी का प्रत्याशी जो है वो मौजूद नहीं है। क्या आपने ये बात देखी है? डाइस इसके अलावा और भी खाली पड़ा हुआ है, ये डाइस है AIMIN की पार्टी की प्रत्याशी का जो कि यहाँ नहीं मौजूद है, ये भी आपको देखना चाहिए था। तो ये बात सामने लाने का मेरा उद्देश्य ये है, यहाँ जितनी जरूरत इन लोगों को काम करने की है उससे कहीं अधिक जरूरत आपके जागरूक होने की है। अगर आप लोग जागरूक नहीं होंगे, उन पर सवाल नहीं करेंगे, तो ये भी काम नहीं करेंगे। नगर पालिका उसमें से जो दुकानें खेलती है उनको दुकानदारों को बेची गई है, अब उसमें से टॉयलेट लेडीज टॉयलेट के लिए बात करते हैं, उन्होंने कोई भी दुकानदार अपनी सारी गेंदी गिर रखी है, बरसात में निकलने की जगह नहीं रहती है, सारी लेडीजें गीली होती है, किसी दुकानदार ने आज तक इस बारे में सोचा? किसी नगर पालिका के किसी भी नगर पालिका अध्यक्ष ने या अब जो मेयर पद के लिए खड़ी है एक भी इसके लिए विचार कर सकती है क्या? ये मुख्य मुद्दों में शुमार नहीं होता, फिलहाल जो मुख्य मुद्दा जरूरी है, लेकिन फिलहाल जो जरूरी बातें हैं वो मैंने आपके
समस्या है, मेयर के पद पर जरूर बैठेगा, मेयर के पद पर जरूर बैठेगा, उन समस्याओं का समाधान कराएगा। लेकिन सभी प्रत्याशी की घोषणा हो रही है कार्यक्रम समाप्त।